हेलो, नमस्कार। वेलकम टू सुखोपीडिया। आज हम बात करेंगे रेलवे RRC ग्रुप डी NCVT मार्क्स फीट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आया उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो क्या नया अपडेट्स है जानेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया, सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे NCVT का मतलब क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये एक तरह से सर्टिफिकेट है जिसके मार्क्स को क्या करना है, अपलोड करना है। तो क्या है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कोर्स होता है जो रेलवे स्टैब्लिशमेंट के द्वारा होता है, ट्रेंड किए जाते हैं। तो उसके जो मार्क्स हैं उसको अपलोड करना है, एक तरह से IDI की तरह होता है। तो ये भी एक सर्टिफिकेट है जिसको अपलोड करना है। इसका एडवांटेज मिलेगा क्योंकि जो लोग अपलोड करेंगे जिनके पास ये सर्टिफिकेट है उनको 20,000 सीट अलग से, जो 1,03,700 समथिंग सीट थी RRC ग्रुप डी के लिए, उसमें से 20,000 अराउंड 20,400 के आसपास सीट इनके लिए एक तरह से रिजर्व कर दिया गया है। तो इससे इनको एडवांटेज मिलेगा इसका। तो इसलिए जिनके पास भी NCVT का अगर सर्टिफिकेट है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, तो उनके अपने मार्क्स फीड करने हैं। तो उससे रिलेटेड जो लास्ट डेट था वो आज ही था, उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट्स आया था उसको बात कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया, सुखोपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है उसको देख लेते हैं। तो ये है CN नंबर RRC 01/2019 Level 1 पोस्ट के लिए द इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी CCH ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट। तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि जो लास्ट डेट था मार्क्स फीड, जो मतलब मार्क्स फीड करने का, वो कब था, आज था, मतलब 31 जुलाई 2022 था। अब उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया फर्दर 10 दिन के लिए। तो अब कब तक हो गया है, अब लास्ट डेट 10 अगस्त 2022। तो आप 10 अगस्त 2022 तक अब अपना मार्क्स फिट कर सकते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो मार्क्स फिट करना है उस सर्टिफिकेट का जो वैलिडेशन है वो तो हम लास्ट वीडियो में भी बात किए थे। तो इसमें इन रेफरेंस टू उसको देख लेते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिस। तो वो पहले उसको देख लेते हैं जो डेट थी कब कब वैलिड होगा। तो यहाँ पे है, इसमें देख लेते हैं, रेलवे अभ्यर्थियों में प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है यानी CCA को NCVT परीक्षा से संबंधित अंकों के अपने विवरण को संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट में दिए गए लिंक के माध्यम से अपलोड करना होगा। तो उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। वो मेरे लास्ट वाले वीडियो में भी है। तो जिन्होंने इस CEN के लिए ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि को या उससे पहले अर्थात 12 अप्रैल 2019 को या उससे पहले अपना अप्रेंटिसशिप जो है पूरा कर लिया था और उसे ऑनलाइन आवेदन में आवश्यक विवरण में भर दिया था। तो मतलब ये कब कब वैलिड होगा, 12 अप्रैल 2019 या उससे पहले के जो सर्टिफिकेट इशू हुए हैं उस वही वैलिड होंगे, उनके ही मार्क्स आप फिट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कब के सर्टिफिकेट वैलिड होंगे, 12 अप्रैल 2019 या उससे पहले के, उसके बाद के नहीं वैलिड होंगे। बाकी और इसमें बात कर लेते हैं, इफ द कैंडिडेट फेल्स टू फीड द NCVT मार्क्स, वेटेज ऑफ मार्क्स शैल नॉट बी गिवन टू देम। अगर कोई अपना NCVT जो मार्क्स है उसको फिट करने से फीड नहीं कर पाता है, फेल्स होता है मतलब फिट करने में, तो जो वेटेज दिया जा रहा है एक्स्ट्रा, मतलब क्योंकि उनको क्या है यहाँ पे प्रेफरेंस मिल रहा है, तो वो वेटेज इनको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर जिनके पास सर्टिफिकेट है और बाद में क्लेम करते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास सर्टिफिकेट था, तो वो क्लेम नहीं किया जाएगा। अगर जो अपलोड करते हैं उनका ही क्लेम किया जाएगा। थर्ड पॉइंट्स दे लेते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट ही RRB की आप रिफ़र कीजिए, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। उस डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना जो भी NCVT का मार्क्स है उसको फीड कर सकते हैं। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया, सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट रहेंगे RRC से या RRC ग्रुप डी से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।